लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी भोपाल पहुंची और यहां पर न्यूज 18 से बातचीत की। मालिनी अवस्थी ने कहा कि लोक गायकी में युवा पीढ़ी का आना शुभ संकेत है। मालिनी अवस्थी ने राम राज्य को लेकर कहा कि सबके लिए शासन हो और सबके लिए बराबर सुशासन हो। उन्होंने आदि पुरुष पर भी अपनी बात रखी। हमारी संवाददाता ने उन्हें खास उनसे बातचीत की है। पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात करेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। बहुत बहुत आभार। मैम लोक गायकी में आप बड़ा नाम है, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जो यूथ हैं वो भी अब लोक गायकी में आ रहे हैं और बतौर करियर अब इसको अपना रहे हैं? जी, हम लोगों ने मुझे लगता है बहुत शुभ संकेत है पहली बात तो, क्योंकि जब तक नई पीढ़ी में संस्कार या संस्कृति के प्रति आदर और प्रेम नहीं होगा, कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी कैसे, सवाल ही नहीं उठता। और इसे कैरियर में लेना, ये तो एक अलग बात हो गई। हम लोगों ने भी इसको जीवन में उतारते उतारते मंच पे पता ही नहीं चला कि कब वो कैरियर भी बन गया हम लोगों का। आज इसके दोनों पक्ष हैं, नए बच्चे बहुत सारे जो सफलता देख कर लोक कलाकारों की, लोग कला से जुड़ना चाहते हैं, गीत सीखना चाहते हैं और इसमें एक बड़ी संभावना देख रहे हैं, उनके एक ही उनके लिए एक मशवरा है। लोग गायकी से जुड़ रहे हैं मैम, तो लग रहा है अपनी जड़ों से भी तो जुड़ रहे हैं। ये भी यही तो कह रही हूँ, वही कि मशवरा यही कह रही हूँ, उनके लिए एक मशवरा है कि किसी भी प्रकार की मंची अभिव्यक्ति तभी सार्थक होगी जब आप भीतर से लोक संस्कृति से जुड़े होंगे। तो आप लोक गीत गाएं, आप लोक नृत्य करें, आप लोक नाट्य यानी फोक थिएटर करें, लेकिन जब तक गांव से सीधा मिट्टी से जुड़ाव नहीं होगा उसमें असर नहीं आता। लेकिन बहुत शुभ संकेत मैं तो देखती हूँ, इस समय जो आज का भारत है, आज का युवा है, वो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहता है। अभी आपने शुभ संकेत का जिक्र किया, तो एक और बात कर लें कि राम राज्य की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि सही मायने में राम राज्य स्थापित हो रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है? राम राज्य एक आदर्श है। राम राज्य जब भी हम बोलते हैं तो राम राज्य एक उस आदर्श की तरह हम सबके मनोमस्तिष्क में स्थापित है कि जहाँ एक ऐसा शासन जहाँ पर मर्यादा स्थापित हो, मर्यादा सही की, जिसको कि राम ने हमारे सामने रखा है। राम ने स्वयं अपने जीवन में उतारा कि किसी के कहने में पत्नी तक का त्याग किया, मर्यादा ऐसी कि उनके भाई ने निभाई कि वो 14 वर्ष तक यदि चले गए तो उनकी पादुका लेकर आए कि शासन होगा तो पादुका करेगी। ये एक हम लोगों के सामने आदर्श के रूप में है और हर शासक किसी भी राज्य का हो, किसी भी गाँव का, तहसील का हो, देश का हो, उसके हृदय में भारत का यदि है तो राम राज्य का आदर्श रहता है कि सबके लिए शासन हो, सबके लिए बराबर सुशासन हो। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी हैं, जिन्होंने यही कहा कि बहुत शुभ संकेत है कि युवा पीढ़ी लोक गायिकी में आगे आ रही है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को ना भूलें। लेकिन अभी जिस तरीके से जो फिल्मों को लेकर जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लोग ये ध्यान रखें कि समाज की भावनाएं आहत ना हो। कैमरामैन संजना आमदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। खबर दिन भर में इतना ही, नमस्कार।